नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नोलजवानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ग्रैंड स्लैम जो कि टेनिस की चार प्रतियोगिताएं होती हैं जो कि प्रत्येक वर्ष आयोजित कराई जाती हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको 2019 के जितने भी विजेता हुए हैं सभी चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के, उनके बारे में भी हम बताएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ 2020 के ऑस्ट्रेलियन ओपन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और विजेताओं के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बता दें कि एग्जाम में जो है इसमें से एक क्वेश्चन 100% है कि आता ही आता है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं सबसे पहले ग्रैंड स्लैम के बारे में। तो वर्ष में सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम आयोजित करवाया जाता है, इस प्रतियोगिता का नाम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। बता दें कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये जनवरी से फरवरी माह के मध्य में आयोजित कराया जाता है, तो इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो जनवरी से फरवरी रहेगी। दोस्तों, इसका जो स्थान होता है जहां पर ये आयोजित कराया जाता है, ये मेलबर्न में कराया जाता है जो कि ऑस्ट्रेलिया देश में एक शहर है। तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में जनवरी से फरवरी माह में ऑस्ट्रेलियन ओपन करवाया जाता है। दोस्तों, बता दें कि जो इसके आयोजनकर्ता होते हैं यानी कि जिसके द्वारा ये आयोजन कराया जाता है, यह इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी कि ITF के द्वारा कराया जाता है। और याद रखिएगा कि जो ITF है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ जो है, इसका जो मुख्यालय है वो लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, इसकी जो सरफेस रहती है जिस पर ये खेला जाता है उसकी सरफेस हार्ड सरफेस रहती है, कठोर सतह रहती है। और बता दें कि पहली बार जो इसका आयोजन था वो 1905 में किया गया था। और दोस्तों, बता दें यह सबसे नया ग्रैंड स्लैम है क्योंकि इसको सबसे बाद में शुरू किया गया था, इसलिए यह सबसे बाद में शुरू हुआ ग्रैंड स्लैम भी है और इसको न्यूएस्ट ग्रैंड स्लैम भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 के कौन कौन विजेता हुए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 2019 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो आयोजित कराया गया था, इसका 107वां एडिशन यानी कि 107वां संस्करण जो है आयोजित कराया गया था 2019 में। इसमें जो पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल में जो विजेता थे वे थे नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और इनका जो है ये 7वां ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 के महिला एकल यानी वुमेन सिंगल के खिताब की, तो ये जीता है नाओमी ओसाका ने जो कि जापान की रहने वाली हैं। और बता दें नाओमी ओसाका का ये पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब है, टाइटल है। अगर हम बात करें मैच डबल की यानी कि पुरुष युगल की, तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में जीता है पियरे हुगेस हर्बर्ट और निकोलस माहूत ने, जो कि दोनों ही फ्रांस के हैं। तो फ्रांस की इस जोड़ी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 का मैच डबल का खिताब जीता गया। और बता दें कि वुमेन्स डबल यानी कि महिला युगल का जो खिताब है, ये समांथा सतोसूर ऑस्ट्रेलिया की और झांग शुई जो कि चीन की है, इन दोनों के द्वारा वुमेन्स डबल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 का खिताब जीता गया। और अगर हम बात करें मिक्स डबल की यानी कि मिश्रित युगल की, तो ये जीता है बारबोरा क्रेचिकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं, और राजीव राम जो कि अमेरिका से हैं। इन दोनों की जोड़ी ने मिक्स डबल का ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 का खिताब जीता। तो ये तो हुए 2019 के विनर। चलिए अब जान लेते हैं 2020 के विनरों के बारे में जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का या ऑस्ट्रेलियाई ओपन का 108वां संस्करण यानी 108th एडिशन जो है आयोजित किया गया यानी कि खेला गया, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके जो पुरुष एकल यानी मैन सिंगल के विजेता रहे हैं वे रहे हैं नोवाक जोकोविच, और इनका ये 8वां ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल है जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो 107वां जो 2019 में आयोजित किया गया था ये भी इन्होंने जीता था, और 108वां 2020 में आयोजित किया गया है ये भी नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, और आपको ये याद रखना है, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। दोस्तों, अगर इसकी बात करें हम वुमेन सिंगल की, तो महिला एकल की जो खिताब है ये जीता है सोफिया कैनिंग ने जो कि अमेरिका की हैं, और इनका ये पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब है। मैन डबल्स की बात करें यानी कि पुरुष युगल की, तो ये जीता है राजीव राम अमेरिका और जो सैली सबरी जो कि ब्रिटेन से हैं, इन दोनों की जोड़ी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का मैच डबल यानी कि पुरुष युगल का खिताब जीता गया है। और दोस्तों, अगर बात करें महिला युगल की यानी कि वुमेन्स डबल की, तो ये जीता है क्रिस्टीना मलादेनोविच जो कि फ्रांस की हैं, और टीमिया बोबोस जो कि हंगरी की हैं, इन दोनों की जोड़ी के द्वारा वुमेन्स डबल्स का खिताब ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 जीता गया। और अगर बात करें मिक्स डबल्स की यानी कि मिश्रित युगल की, तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में बारबोरा स्टेकोवा जो कि चेक गणराज्य के हैं, और निकोला मैक्टिक जो कि क्रोएशिया की हैं। तो इन दोनों की जोड़ी ने मिक्स डबल का खिताब ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में जीता है। तो मुख्य जो इसमें होता है वो मैन सिंगल और वुमेन सिंगल होता है, तो आपको ये याद रखना है और इसका संस्करण आपको याद रखना है। तो ये हो गए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के विनर। चलिए अब सेकंड ग्रैंड स्लैम के बारे में जान लेते हैं। तो सेकंड ग्रैंड स्लैम जो हमारा आता है
तो दूसरी जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है इसका नाम है फ्रेंच ओपन, और हम बात करेंगे फ्रेंच ओपन 2019 के बारे में, और 2020 का भी आयोजित किया नहीं गया है। तो ये जो इसका जो आयोजन है वो मई से जून के बीच में आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा फ्रेंच ओपन जो है मई से जून में आयोजित किया जाता है। और इसका एक और नाम है रोलेंड गरोस, तो रोलेंड गरोस भी इसको बोला जाता है फ्रेंच ओपन को। और दोस्तों इसका जो स्थान रहता है वो पेरिस फ्रांस रहता है, यानी कि पेरिस फ्रांस में फ्रेंच ओपन करवाया जाता है, और इसके जो आयोजन करता है वे इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ही है, यानी कि ITF ही है, और मुख्यालय जैसा कि हमने आपको बताया लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। दोस्तों बता दें जो इसकी सतह रहती है फ्रेंच ओपन में वह क्ले की सरफेस रहती है, क्ले जो मिट्टी होती है उसकी सतह होती है, और इसका जो पहली बार आयोजन था वो 1891 में करवाया गया था। चलिए अब जान लेते हैं फ्रेंच ओपन 2019 के विजेताओं के बारे में। 2019 में दोस्तों फ्रेंच ओपन का जो था 123वां संस्करण, यानी कि 123rd एडिशन जो था वो आयोजन उसका आयोजन कराया गया था, ये आपको याद रखना है। और वुमेन सिंगल का जो खिताब है वो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। बता दें कि स्पेन के राफेल नडाल जो हैं इनका ये 12वां फ्रेंच ओपन का टाइटल है, और बता दें इनको जो है काइंड ऑफ क्ले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो फ्रेंच ओपन है जो कि क्ले की सरफेस पे खेला जाता है इसको इन्होंने सबसे अधिक बार जीता है, इसलिए इनको द काइंड ऑफ क्ले भी कहा जाता है, और इनका 12वां फ्रेंच ओपन टाइटल रहा है 2019 में जो स्पेन के खिलाड़ी हैं। वुमेन सिंगल की बात करें महिला एकल की, तो ये जीता है एशले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, और इनका पहला ये फ्रेंच ओपन टाइटल था 2019 में। और दोस्तों मेंस डबल्स की बात करें यानी कि पुरुष युगल की, तो ये जीता है केविन क्रेटेज जो कि जर्मनी के हैं, और एंड्रियास मेयर जो कि जर्मनी के, जर्मनी की जोड़ी ने जो है मेंस डबल का फ्रेंच ओपन 2019 का खिताब जीता। वुमेन्स डबल्स की बात करें महिला युगल की बात करें, तो फ्रेंच ओपन 2019 में महिला युगल का जो खिताब है यह तीमे बाबो जो कि हंगरी की हैं, और क्रिस्टीना मालदेनोविच जो कि फ्रांस की हैं, इन दोनों की जोड़ी ने जीता है। और अगर बात करें मिक्स डबल्स की यानी कि मिश्रित युगल की, तो ये जीता है लतीशा चांद जो कि चीनी ताइपी की रहने वाली हैं, और इवान डोडिंग जो कि क्रोएशिया के हैं, तो इनकी जोड़ी ने जो है फ्रेंच ओपन 2019 का मिक्स का खिताब जीता। तो ये हो गए फ्रेंच ओपन 2019 के विनर्स के बारे में। चलिए अब अपने तीसरे ग्रैंड स्लैम के बारे में जानते हैं। तो तीसरा जो हमारा ग्रैंड स्लैम है इसका नाम है विंबलडन ओपन। तो विंबलडन ओपन जो होता है ये जून से जुलाई के मध्य में कराया जाता है, तो जून जुलाई इसके डेट रहेगी, और इसका जो स्थान होता है जहां पर ये कराया जाता है वो है लंदन, या जो कि इंग्लैंड में है, तो ये आपको याद रखना है लंदन इंग्लैंड में जून से जुलाई मंथ के दौरान विंबलडन ओपन करवाया जाता है। और इसकी जो दोस्तों सरफेस रहती है वो ग्रास सरफेस रहती है, यानी घास वाली सतह रहती है, और जो इसके आयोजन करता है वो वही है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। और इसका जो पहली बार आयोजन था वो 1877 में कराया गया था, और ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है विंबलडन ओपन, ये आपको याद रखना है। चलिए अब जान लेते हैं विंबलडन ओपन 2019 के विजेताओं के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि 2019 में जो विंबलडन ओपन था इसका 133वां संस्करण यानी 133 एडिशन जो है आयोजित किया गया था, और 2020 में इसका 134वां संस्करण आयोजन जो है करा जाएगा। चलिए अब 2019 के विंबलडन ओपन के विजेताओं के बारे में जान लेते हैं। तो मैन सिंगल का जो खिताब है विंबलडन ओपन 2019 में पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था, जो कि इनका पांचवा विंबलडन टाइटल था, और ये सर्बिया के रहने वाले खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। वुमेन सिंगल की बात करें महिला एकल की, तो ये जीता था सिमोना हालेप जो कि रोमानिया की रहने वाली हैं, और इनका ये पहला विंबलडन टाइटल है। और मेंस डबल यानी कि पुरुष युगल का जो विंबलडन ओपन 2019 का खिताब है ये जीता है जुआन सेबेस्टियन केबाल जो कि कोलंबिया के रहने वाले हैं, और रॉबर्ट फरा जो कि कोलंबिया के रहने वाले, दोनों कोलंबिया की जोड़ी ने जो है मेंस डबल का खिताब जीता है विंबलडन ओपन 2019 में। और अगर वुमेन्स डबल की बात करें महिला युगल की, तो ये जीता है बारबोरा स्ट्रेकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं, और हसी सुवेई जो कि ताइवान की रहने वाली हैं, इनकी महिला जोड़ी ने जो है विंबलडन ओपन 2019 का खिताब जीता। और मिक्स डबल्स की बात करें मिश्रित युगल की, तो ये जीता है लतीसा चांद जो कि ताइवान के हैं, और इवान डोडिंग जो कि क्रोएशिया के हैं, इनकी जोड़ी ने। तो ये हो गया विंबलडन ओपन के बारे में जो कि तीसरा ग्रैंड स्लैम था। अब जान लेते हैं चौथे ग्रैंड स्लैम के बारे में। तो चौथा ग्रैंड स्लैम हमारा जो आता है वो आता है यूएस ओपन, इस प्रतियोगिता का नाम है यूएस ओपन। और दोस्तों इसका जो आयोजन है यूएस ओपन का ये अगस्त से सितंबर माह के दौरान जो है आयोजित किया जाता है, जो यूएस ओपन होता है। बता दें जो इसका स्थान रहता है जहां पर आयोजित किया जाता है वो रहता है न्यूयॉर्क सिटी जो कि यूएसए में है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, और इसकी जो सतह रहती है वो हार्ड सर्फेस रहती है, और इसका जो आयोजन करता है वो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ही है, जिनका मुख्यालय हमने आपको बता दिया है लंदन यूनाइटेड किंगडम में है।
और इसका पहली बार जो आयोजन था यानी कि यूएस ओपन जो सबसे पहली बार आयोजित किया गया था वो किया गया था 1881 में, 1881 में, आपको याद रखना है। तो ये तो हो गए चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए अब जान लेते हैं जो यूएस ओपन के विनर रहे हैं 2019 के वो कौन है। तो पहले हम बता दें आपको कि 2019 में यूएस ओपन का 139वां यानी 139वां संस्करण यानी कि एडिशन जो है आयोजित किया गया था, और 2020 में इसका 140वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। और इसमें 2019 में यूएस ओपन के मैन सिंगल यानी कि पुरुष एकल के जो खिलाड़ी रहे हैं वे रहे हैं राफेल नडाल जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, और इनका ये चौथा यूएस ओपन का टाइटल है। और दोस्तों स्पेन के रहने वाले इस खिलाड़ी राफेल नडाल को काइंड ऑफ क्ले के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया, क्योंकि ये सबसे अधिक बार फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं और फ्रेंच ओपन जो है क्ले सरफेस पे खेला जाता है। और दोस्तों बता दें कि जो वुमेन सिंगल्स का खिताब है यूएस ओपन 2019 का, ये जीता है बियांका एंड्रीस्कू ने जो कि कनाडा की हैं, और इनका ये पहला यूएस ओपन का टाइटल है। और दोस्तों मैन्स डबल्स का जो खिताब है यूएस ओपन 2019 का, ये जीता है जुआन सेबेस्टियल केबाल जो कि कोलंबिया के हैं, और रॉबर्ट फराह जो कि कोलंबिया की इन दोनों जोड़ी ने मैन्स डबल्स का खिताब यूएस ओपन 2019 में का जो है जीता है। और अगर हम बात करें वुमेन्स डबल्स की महिला युगल के खिताब की, तो महिला युगल का यूएस ओपन 2019 जीता है एलिस मर्टेंस बेल्जियम की रहने वाली है जो, और आरेना सबलनेका जो कि बेलारूस की रहने वाली है। इन दोनों महिला जोड़ी ने जो है यूएस ओपन 2019 का महिला युगल का खिताब जीता। और अगर हम बात करें मिक्स डबल्स की यानी कि मिश्रित युगल की, तो ये जीता है बेथानी माटेक सैंड्स जो कि यूएसए के हैं, और जेमी मूरे जो कि यूके के हैं। तो इन जोड़ी ने जो है यूएस ओपन का 2019 का मिश्रित युगल का खिताब जीता। तो ये हो गई जानकारी यूएस ओपन 2019 के विजेताओं के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप जान चुके हैं सभी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताओं के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, 2019 के सभी विजेताओं के बारे में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और विनर हैं उनके विषय में। ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल नॉलेज वाणी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लगातार इस प्रकार की वीडियो जो है मिलती रहे। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।